रीवा में एक महिला थाने पहुंचकर मुस्लिम युवक के खिलाफ चाकू की नोक पर दैहिक शोषण करने और धर्म परिवर्तन करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुस्लिम युवक के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि आशिफ खान उसे पिछले 4 महीनों से परेशान कर रहा था। मामूली सी जान पहचान होने के कारण आरोपी युवक का महिला के घर में लगातार आना जाना होने लगा, जिसके बाद युवक ने महिला का शारीरिक शोषण शुरू कर दिया। बाद में आरोपी महिला के साथ मारपीट करते हुए आए दिन चाकू की नोक पर उसे अपनी हवस का शिकार भी बनाने लगा और अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देकर धर्म परिवर्तन करने और शादी करने का दबाव बना रहा था। रीवा में महिला के साथ शारीरिक शोषण कर जबरन धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाव बनाने वाला एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर मुस्लिम युवक के द्वारा पहले तो महिला का शारीरिक शोषण किया गया और बाद में उसकी अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देते हुए उसे धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने की भी कोशिश की गई, जिसके बाद पीड़ित महिला ने आरोपी युवक के खिलाफ महिला थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। आज शिकायत लेकर जैसे ही महिला थाने पहुंची तो तुरंत ही आरोपी युवक के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया और महिला को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। महिला थाने पहुंची पीड़िता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बाणसागर कॉलोनी निवासी आसिफ खान का उसके घर पर पिछले 4 महीनों से आना जाना था। महिला ने युवक पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके जेठ के बेटे के साथ आसिफ की दोस्ती थी और उसी के साथ वो कभी कभी घर पर आया करता था। आरोपी युवक कभी कभार महिला के बच्चों को स्कूल से घर छोड़ने भी आया करता था और इसी के चलते उसका घर पर आना जाना लगातार बना रहा। इसी बीच युवक ने महिला से मित्रता बढ़ाई और डरा धमकाकर मारपीट करते हुए चाकू की नोक पर उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला। आरोपी की करतूतों का सिलसिला यहीं नहीं थमा, उसने कई बार महिला का दैहिक शोषण किया और महिला का अश्लील वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया में वायरल कर देने की धमकी भी देने लगा। बाद में आरोपी महिला को धमकी देते हुए लगातार उसके बच्चों को धर्म परिवर्तन कर अपने धर्म में शामिल होने और शादी करने का दबाव बनाने लगा। पीड़िता ने आरोपी युवक की धमकी का कई बार विरोध किया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की भी बात कही, लेकिन बावजूद इसके वो नहीं माना। परेशान होकर पीड़िता आज महिला थाने पहुंची और उसके साथ हुए अत्याचार की कहानी पुलिस को भी बताई है। पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल आरोपी युवक के खिलाफ प्रकरण को पंजीबद्ध किया और मामले की जाँच शुरू कर दी है। बाद में पुलिस ने पीड़ित महिला को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भी भिजवाया है। हम आए हैं, हमारे साथ है एक आसिफ खान नाम का लड़का है, वो हमें परेशान करता है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। किस तरह से परेशान करता है और कब से परेशान करता है? आज वो 4 महीने से हमको परेशान कर रहा है। क्या बोलते हैं, क्या पूरा मामला बताइए। बोलता है कि तुम हमारे साथ शादी कर लो और तुमको हम अच्छे से रखेंगे, तुम अपना बच्चा अपना पति छोड़ दो, सबको ऐसा कर दो, और हमारे बच्चों को मारने की धमकी देता है, हमको भी मारने की धमकी देता है। और क्या बोला जाता है उसके द्वारा? क्या और क्या कहता है वो? यही कहता है, मारने की धमकी देता है, शादी के लिए बोलता है, धर्म परिवर्तन करने के लिए भी। हाँ, ये सब बोलता है। क्या बोलता है? पूरा बताइए ना। धर्म परिवर्तन के लिए बोलता है कि तू हमारे साथ रहोगे तो अच्छा रहेगा, बच्चों को भी हमारे बोलता है कि हम तुम्हारे बच्चों को भी ऐसा करेंगे, मुसलमान बना देंगे, तुम भी अच्छा से रहोगी, तुम्हारे बच्चे रहें, तुम्हारे पति को छोड़ दो, ऐसा बोलता है। कब से परेशान कर रहा है? आज 4 महीने से परेशान कर रहा था। तो हम यहाँ थे तो हमें डर लगता था कि हमारे बच्चों को धमकी देता था कि हम मार देंगे, तो हम इसीलिए नहीं बोल रहे थे। और जब हम गांव चले गए तो हम गांव जब गए तो हम वहाँ से ही उसको डरवाने लगे कि अब तुम्हारे में फ़ोन ऑन नहीं करना। तो फिर हमारी जो गंदी गंदी फ़ोटो थी उसको उसने हमारे पूरे व्हाट्सएप फेसबुक में डाल दिया। युवक से पहचान कब हुई? वो हमको बदनाम कर दिया। युवक से पहचान हुई, वो बस स्टैंड में दुकान रखा था, हमारे बच्चे वहाँ जाते थे, जब कभी लेट हो जाते थे तो हमारे बच्चे को छोड़ने वो हमारे रूम तक आता था। कितने साल पहले से जानता था? अभी 2-4 महीने पहले से ही जानता है, 4-5 महीना हो गया। और किस तरह की धमकी देता है? मारने की धमकी देता है हमको। अश्लील फोटो उसके पास कैसे पहुंची? वो हमको मार मार के धमकी दे के ये सब फोटो बनाता था और हम डर मारता था। दुष्कर्म भी किया आपके साथ? हाँ, दुष्कर्म भी हमारे साथ करता था, हमको डरवाता था, मारता था, तो हमको हमारे साथ स्वाभाविक है कि दुष्कर्म करेगा ही। किस तरह की धमकी दी जा रही थी उसके द्वारा? वो हमको जान से मारने की धमकी दे रही, हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, उसको बोल रहा था कि हम बच्चों को जान से मरवा देंगे, मार देंगे, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करोगे तो।
पहले से शिकायत आपने कही थी? हम शिकायत नहीं करने पाते, जब हम बोलते थे कि हम 100 नंबर को फ़ोन करेंगे, हम रिपोर्ट दर्ज करा देंगे, तो बोलता था कि हम तुम्हारे तुमको भी जान से मार देंगे, तुम्हारे बच्चों को भी जान से मार देंगे। आज आप कैसे पहुँच गए? आज हम गांव से आए, कल तो हम सोचे कि रूम भाड़ा देना था, तो हम सोचे रूम भाड़ा दे देंगे मकान मालिक का। तो हम जैसे ही आए वो सुबह हमारे घर पहुँच गया रूम हमारे, और आ करके हमको डरवाने लगा, धमकाने लगा कि तुमने शिकायत की है, रिपोर्ट करती है, ऐसा करती हो, ऐसा करती है, इस तरह से बोल रहा था। कहीं ना कहीं आपको जान का खतरा भी है? हाँ, मेरे जान का खतरा है उससे, ये भी बात है कि मेरे जान का खतरा है। अभी आप महिला, एक महिला शिकायत पत्र लेकर आई है जिसमें कोई मुसलमान लड़का के खिलाफ वीडियो वायरल मतलब वीडियो बनाकर उसके साथ अश्लील हरकत की गई है और फिर वीडियो वायरल कर दिया गया है, जिस पर से शिकायत आवेदन ले लिया गया है और इसकी जाँच की जा रही है। आवेदन में उसने ऐसी कुछ बातें बताई हैं कि वो उसकी कास्ट का नहीं है, मुस्लिम धर्म का है, और शादी करने की बात उसने कहा है, पर इन तथ्यों की आगे जांच की जाएगी, प्रकरण कायम किया जा रहा है, बाकी जो भी तथ्य सामने आएंगे आगे कार्रवाई की जाएगी। मामले को लेकर महिला थाना TI निशा मिश्रा ने बताया कि एक महिला शिकायत पत्र लेकर थाने पहुंची है। महिला ने शिकायत की है कि मुस्लिम युवक उसके साथ अश्लील हरकत कर उसका वीडियो बनाया है और वीडियो युवक के द्वारा वायरल करने की भी धमकी दी जा रही है। महिला की शिकायत पर शिकायती आवेदन लेकर मामले की जाँच की जा रही है। महिला ने आवेदन पत्र में कहा है कि युवक उसकी जात का नहीं है, वह मुस्लिम धर्म का है, शादी करने की बात भी उसने कही है। मामले पर सभी तथ्यों की जांच की जाएगी और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। सर, ये महिला थाना में एक महिला ने पहुंचकर एक मुस्लिम युवक के खिलाफ संगीन आरोप लगाए, क्या पूरा मामला? इसमें क्या है, 40 वर्षीय महिला है, अपने बच्चों के साथ में किराए से रहती है रानी तालाब के पास में, उसका पति मुंबई में काम करता है, महिला यहाँ अपने बच्चों के साथ रहती थी और इसका परिचय आसिफ नाम के एक व्यक्ति से हुआ, जिसको मेरे करीब 20 वर्ष है, और इसके बाद उसका आना जाना था लगातार वहाँ पर। महिला ने अभी आके जब थाने में रिपोर्ट की तो थाना प्रभारी, महिला थाना प्रभारी थे, वहाँ मामले को संज्ञान में लेके तत्परता से उसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया, क्योंकि घटनाक्रम में तथ्य आया कि महिला उसके संपर्क में आई थी और उसके महिला के साथ उसके संबंध बने और उसके बाद उसने उसके पति को वो वीडियो वायरल कर दिया, उस असली टाइप की वीडियो थी, उसके पति को वायरल कर दिया, उसके डेट को वायरल कर दिया, और इसके बाद मामला इस तरह से जानकारी में आने के बाद महिला ने इसकी रिपोर्ट लिखाई, जिस पर से पुलिस ने 376(2)N का मामला, साथ में IT Act का मामला आरोपी विरुद्ध दर्ज कर लिया और महिला थाना प्रभारी ने तत्परता से आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी को जेल भेजने की प्रक्रिया जारी है, साथ साथ उसका मोबाइल वगैरह भी जब्त किया गया है और IT Act की धारा के तहत उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, युवक पकड़ा गया, युवक महिला पर जबरन धन परिवर्तन के लिए दबाव भी बना रहा था? नहीं, अभी तक पूरी तरह से सही नहीं पाया गया है, इसमें महिला थाना प्रभारी खुद इसमें जांच कर रही है। उनका कहना था परिचय थे दूसरे, एक दूसरे से नाम से जानते थे एक दूसरे के पहले से, तो वो आसिफ है उसका नाम, महिला दूसरे समुदाय की है, एक दूसरे परिचित होने के बाद महिला की स्थिति थोड़ा सा एज के कारण भी देखते हैं तो वो भी उस तरह की थी, महिला शादीशुदा थी, बच्चों वाली थी, तो इस तरह के तथ्य भी थे स्पष्ट नहीं हुए कि उसने कोई धर्म प्रवर्तन के लिए दबाव बनाया है। हाँ, उसने जो घटना की है और उसने जो वीडियो वायरल किया है उसमें पुलिस ने पाया और उसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है, आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।